लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या इसे हिंदी में कहा जाए तो आकर्षण का नियम, ये एक ऐसा टर्म है जो हमने पिछले कुछ सालों में कई बार बहुत जगहों पे पढ़ा भी है और सुना भी है। काफ़ी सफल लोग अपनी सफलता को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एट्रिब्यूट करते हैं। वो कहते हैं कि इनकी जो भी सफलता या सिद्धि है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने के कारण है। चलिए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना भी सुना हो तो कम से कम शाहरुख खान को ये कहते हुए तो सुना होगा ओम शांति ओम में कि किसी भी चीज़ को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। हाय एवरीवन, मेरा नाम आयुषी है और मैं एक बिजनेस ओनर और कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे इस नए हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल के द्वारा मैं आपसे माइंडसेट, मोटिवेशन और सेल्फ लव की बातें करना चाहती हूँ और उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है इतने सालों में, पिछले कई सालों में मेरे बिजनेस में और मुझे आगे बढ़ते रहने में, और जो भी सफलता मैंने हासिल की है उन चीज़ों को पाने में मेरी हेल्प की है माइंडसेट, एक तरीके के माइंडसेट ने, और वही बात मैं यहाँ पे इस YouTube चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, हैप्पीनेस एंड लव लॉन्ग टर्म, यानी हम धन, संपत्ति, प्यार और हैप्पीनेस, खुशियाँ लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए कैसे हासिल करें माइंडफुली। एक लाइन में इसका आंसर बताऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, बट वो है क्या चीज़, उसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हमें करना क्या होता है, वही सब आज हम इस YouTube वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये टर्म लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया कहाँ से। तो आज से 15 साल पहले 2006 में एक किताब लॉन्च हुई थी, एक किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द सीक्रेट। उसी किताब पे द सीक्रेट नाम की कई फिल्में भी बनी और ये इतनी पॉपुलर हो गई, ये पॉप कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा बन गई हमारी प्रचलित संस्कृति का कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो ये पता होती ही है। आप जाके देखिए, किस किधर भी आप जा रहे हैं, आप जिससे भी बात करेंगे या तो उन्होंने इसके बारे में सुना है या पढ़ा है, आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाएगा। इस किताब की जो लेखिका हैं रोंडा बायन, उन्होंने इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की है, पर यह कोई नया नियम या नया सिद्धांत नहीं है। ये हम तब से यूज़ कर रहे हैं जब से ह्यूमंस धरती पे हैं, जब से इस दुनिया में इंसान है, वो जाने अनजाने में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं सिंपली समझाऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि अपनी सोच की ताकत से कुछ भी हासिल कर लेना, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं आप, उसको अपनी सोच की ताकत से पा लेना। ऑल थॉट्स इवेंचुअली टर्न इनटू इवेंट्स और रियलिटी। तो अगर आप अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझना होगा। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह समझ जाएंगे, ये आकर्षण के सिद्धांत को अच्छे से समझ लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे यही सिद्धांत आपको आपकी लाइफ में अनगिनत पॉसिबिलिटीज़, अनगिनत संभावनाएं दे देता है सफल होने की। तो चलिए एक एग्जाम्पल से चालू करते हैं, बट उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ पर्सनल बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ और मेरी लाइफ में कैसे चेंज आते हैं इसमें। तो इस साल ही 2021 में ही शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च में काफ़ी कठिन दिन देखे हमने, मेरी फैमिली ने, क्योंकि पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और वो तो हॉस्पिटलाइज भी हो गया था, और उस कारण हमारी जो सोच थी, जो हमारे विचार थे, वो सारे बदल के एक डर और दुख पे रहने लगे थे काफ़ी दिन तक। और वही चीज़, वही सोच मेरी काम में भी फ्लो कर रही थी, वही सोच मेरे काम में भी आ रही थी, एक इस तरीके से कि मुझे लगने लग गया था कि मैं कुछ भी कर लूँ मुझे छोड़ देना चाहिए काम, मेरा जो बिज़नेस है उस पर गिव अप कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे ना तो मज़ा आ रहा है ये काम करने में, ना खुशी मिल रही है,
नहीं करना है मुझे ये काम आगे। मैंने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं छोड़ देती हूँ तो मैं अपनी सेविंग्स यूज़ कर लूँगी, कुछ महीने काम नहीं करूँगी, कोई बात नहीं। मैंने एकदम निश्चय बना लिया था। और उस वजह से क्या हुआ कि क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी, मेरा काम या मेरी टीम का काम बदला नहीं था, क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हमें हमारी कंपनी को छोड़ के जाने लग गए। वो भी बोलने लग गए कि अब हम ये काम रोक देते हैं, अब हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। तो मेरा रेवेन्यू भी काफ़ी गिर गया। लेकिन जब अप्रैल के अराउंड जब मेरे भाई की तबीयत ठीक हो गई और मैंने फिर से काम में एकदम मन लगा के काम करना चालू कर दिया, पहले 15 दिन तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। पहले 15 दिन तो मैं एकदम उसी माइंडसेट या उसी सोच में चल रही थी कि नहीं होगा मुझसे, मैं छोड़ दूँगी सब। बट धीरे धीरे करके मैंने रोज़ सोचना चालू किया कि नहीं, अब जो मैं करूँगी वो अच्छा ही होगा। जो भी मैं प्रोजेक्ट उठाऊँगी, जो भी काम मैं मन लगा के करूँगी वो अच्छा ही होगा। और जब से मैं वो करने लगे, हमारे जो क्लाइंट्स हमें छोड़ के चले गए थे वो भी वापस आ गए और नए क्लाइंट्स भी मिल गए। तो उस वजह से आज मैं ये यूट्यूब में भी टाइम दे पा रही हूँ और काफ़ी कुछ नया भी कर पा रही हूँ। तो ये कैसे हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, मुझे पता है कि आपको अभी इतने सिंपली समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली मैंने किया क्या, उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप किसी ना किसी को तो जानते ही होंगे ऐसा, जो काफ़ी सालों से वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा है ना? या तो हो सकता है हम ही हैं वो, आप ही हो, आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो कुछ भी कर ले, योगा कर ले, एक्सरसाइज कर ले, वॉक पे चल जाए, दौड़ने भागने सब में चल जाए, डाइट कर ले अलग अलग तरीके की, क्या होता है वो नहीं लूज़ कर पाता वेट। आधा एक किलो कम होगा फिर वापस उसी पे, नहीं तो बढ़ ही जाएगा। बट ऐसा होता क्यों है? जब हम ऐसे समय में नहीं कर पाते लूज़ वेट, हम फेल हो जाते हैं, तो हमारे मन में क्या बातें चलती हैं? हमारे मन में यूजुअली ऐसी बातें चलती हैं कि अरे मत कर, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरी तो बॉडी ऐसी ही है, नहीं पतली हो सकती, कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर ले, ऐसी बातें चलती है ना। और उस वजह से फिर हम गिव अप भी कर देते हैं और करना भी छोड़ देते हैं जो हमें वर्कआउट कंटिन्यू करना चाहिए था। तो आप जब अपना वेट लूज़ करने का लक्ष्य या कुछ भी ऐसा हासिल करने का लक्ष्य नहीं पा पाते हैं, कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्यों होता है ऐसा? क्यों आप इतने सालों से जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है? सिंपल सा है, इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है जितना लगता है। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट पॉजिटिव आउटकम्स। मतलब आप जैसा सोचते हैं, जिस डायरेक्शन में आपकी सोच चलेगी उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे और वही आपको हासिल भी होगा। अब ये भी बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपल तरीके से, आसान तरीके से समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम दो भाग करेंगे, जिनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। ये दोनों मिलके जब हम इन दोनों चीज़ों पे काम करते हैं तो हम जो भी चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं। तो ये कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो पहले वाइब्रेशंस को समझते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम, पेड़, पक्षी, ये धरती, पानी, हवा, सब कुछ उन कुछ तत्वों से ही बना है जिससे हम बने हैं। सब समान एलिमेंट्स या तत्वों से ही बने हैं। तो जब हम सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो इस ब्रह्मांड में हैं वो समान तत्वों से बनी हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन की भाषा, हमारी जो भाषा है वो भी एक ही है। हमारी बोलचाल की, लिखने की भाषा अलग हो सकती है। कुछ लोग इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, कोरियन, कुछ अलग अलग चीज़ें बोलते होंगे, लेकिन जो हमारी सोच की भाषा है, जो हमारे थॉट्स की भाषा है वो एक ही है, और उन्हें कहा जाता है वाइब्रेशंस। निकोला टेस्ला ने कहा था कि इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। जिसका मतलब है, अगर आप इस यूनिवर्स, आप इस ब्रह्मांड के रहस्य समझना चाहते हैं तो आपको ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन को समझना होगा। मतलब इसके एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को समझना होगा। तो जब हमारी और इस ब्रह्मांड की भाषा एक ही है,
एक समान ही है, तो जब हम जो भी सोचते हैं, जो हमारी सोच की वाइब्रेशन आगे बढ़ती है, हमसे निकल के इस यूनिवर्स से मिलती है, तो वो यूनिवर्स या हमारे चारों तरफ की चीज़ों से रेजोनेट करती है, वो उससे जाके मिल जाती है, उससे जाके टकराती है। रेजोनेट करने का मतलब है कि हम इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम इससे बात कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो हम वाइब्रेशन बाहर इस ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और हमें उसके रिटर्न में वही टाइप की वाइब्रेशंस वापस मिलती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो। आप रेडियो या टीवी वगैरह तो देखते ही होंगे, तो अगर आप ये सोचें कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो है वो एक घर पे रखा छोटा रेडियो है या फिर एक घर पे रखा टेलीविज़न है, तो अगर रेडियो ले लें तो आप जब 92 FM लगाते हैं तो आपको उसके गाने सुनाई देते हैं, फिर आप स्विच करके 98 लगा देते हैं तो आपको वहाँ पे चल रहे गाने सुनाई देते हैं। तो उसी तरह से आप सोचें कि आपका ब्रेन वो रेडियो है जो आपके घर पे है, और जो ये यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स के जो दूसरे पदार्थ हैं, जो और चीज़ें हैं, वो रेडियो स्टेशन है। तो जब भी हम हमारे दिमाग में 92 FM लगाएंगे तो हमें वही कैच करेगा वापस, और हम वही गाने या वही जो एड्स चल रहे होंगे उस पर वही सुन पाएंगे, और अगर हम बदलते रहेंगे तो हमें वही बदलाव सुनाई देंगे जो अलग अलग चैनल्स पे हैं। तो उसी आपके घर पे रखे रेडियो की तरह अगर आप कॉन्फिडेंस, लव, हैप्पीनेस, सक्सेस, अबंडेंस, इन सब के बारे में सोचते रहेंगे तो आप वही फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की वही अट्रैक्ट करेंगे, वही आपसे आके मिलेगी, वही फ्रीक्वेंसीज, वही वाइब्रेशंस और वही कंक्लूजन्स, या वही जो आपको चाहिए वैसा ही मिलेगा। बट अगर आप ऐसा सोचें कि आपके दिमाग में, आपके उस रेडियो में हर समय जेलसी, फियर, हेट्रेड, ग्रीफ, ऐसे थॉट्स चलते रहेंगे, अगर हम उसी भावनाओं में फंसे रहेंगे तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे इस ब्रह्मांड से, वही हमें मिलेगा और वही हमारे साथ होगा। अगर हम वही सोचते रहते हैं तो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो भी वैसी ही होती जाती हैं। वाइब्रेशंस के प्रिंसिपल को अगर हम समझें, इसका मतलब यही है कि अगर आप वेल्थ, जॉय, अबंडेंस, ये सब क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि ज़्यादा पैसा, धन, संपत्ति, खुशियाँ, ये सब मिले आपको, तो आपको उसी तरीके के विचार रखने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि आप बदलते रहें, कभी आप डर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा मेरे साथ, काश हो जाए। एक तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो काश हो जाए, जो विशफुल थिंकिंग है उसमें, और दृढ़ निश्चय में कि आपको पता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होगा आपके कर्मों से, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप वेल्थ, जॉय, हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन समझिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन, अपने थॉट्स की उसी से अलाइन करें, उसी से मिलाएं। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशंस। अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। इससे पहले कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ एक्शन समझाऊं, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर एक नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा आपके लिए, इनमें से कोई भी एक अगर आप नहीं कर रहे हैं। तो ये बेस्ड है एक और अलग सिद्धांत पे, सिंपल सा, जिसको हम अगले वीडियो में और गहराई से समझेंगे। बट आज मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगी कि हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज्म होता है, एक चीज़ होती है हमारे ब्रेन में, एक तरीका होता है हमारे ब्रेन को फंक्शनिंग का, कि जब हम सोच कुछ रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं, जब हमारे थॉट्स और एक्शन, हमारे विचार और हमारे कर्म में जब डिफरेंस होता है, जब वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो हमारा ब्रेन पूरी कोशिश करता है उनको मिलाने की, कि ताकि वो दोनों एक ही हो जाएं, क्योंकि उसको नहीं पसंद हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को, कि वो दो अलग अलग रहें, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उससे हमारे दिमाग में। तो अगर आप सोचते एक डायरेक्शन में हैं और एक्शन आप दूसरे डायरेक्शन में लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन या तो आपकी सोच बदल देगा या फिर आपके कर्म बदल देगा। तो उस वजह से
एक्शन और वाइब्रेशंस साथ में काम करने चाहिए, तभी जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, हमने पहले जो एग्जांपल किया था कि आप रोज़ वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ऑफकोर्स ये तो है ही कि आप रातों रात तो पतले नहीं हो जाते, बट जब तक आपको वो डिफरेंस दिखता है, आपकी जो सोच है कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी नहीं कर पाती, और ऐसे जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिव ख्यालात हैं आपके, वो और आपके एक्शंस अलग अलग हो जाते हैं। आपके एक्शंस तो ये हैं कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं आपको बदलने के लिए, बट आपकी सोच वहीं चल रही है कि नहीं हो पाएगा। तो आपका ब्रेन इतने में, इससे पहले कि आप कंक्लूजन देखें उसका, आप ये अपना फ़ायदा देखें उस एक्टिविटी का, वो आपका ब्रेन आपकी या तो सोच बदल देता है या एक्शन बदल देता है। तो यूजुअली जब आपकी सोच स्ट्रोंगर होती है तो आपका एक्शन बदल जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो कि छोड़, मैं तो वैसे भी नहीं पतली होनी, आज नहीं जाते, आज खा लेते हैं कुछ जंक फूड, या आज से योगा नहीं करेंगे, बहुत ही इरिटेटिंग सा काम है, ऐसा होता है। और फिर आप उसी एक दुष्चक्र में या विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। और यही दुष्चक्र का एक दूसरा साइड भी है, जिसका यही मतलब है कि आप सोचते अच्छी चीज़ें रहें पूरा टाइम कि नहीं मैं तो पतली हो जाऊंगी, मैं तो 15 किलो लूज़ कर दूंगी, मैं तो ये हासिल कर लूंगी, वो हासिल कर लूंगी, बट आप उसके तरफ कोई कर्म नहीं कर रहे। आप रोज़ बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो भी आपके दिमाग को वो अंतर कन्फ्यूजिंग लगता है। तब भी वो आपका दिमाग कहता है कि यू आर थिंकिंग, आप ये सोचे जा रहे हो बट आप कुछ कर नहीं रहे। तो वो धीरे धीरे करके आपकी या तो सोच बदल देगा या फिर आपको अपने कर्म बदलने होंगे। आपको अपनी सोच के साथ, जो आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये तो मैं करूँगी ही और मैं कर पाऊँगी, एक पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपने कर्म भी उसी तरह बदलने होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। तो ये वाइब्रेशन और एक्शंस तो आप समझ गए। अब इसको क्विकली, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि इसको अपने लाइफ में यूज़ कैसे करना है, और उसका तीन सिंपल तरीके हैं। पहला, आप ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से वही मांगें जो आपको चाहिए, उस पर ध्यान ना दें जो आपको नहीं चाहिए। क्या होता है कि आपके थॉट्स, हर तरीके के थॉट्स आपके वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे डर में कि ओ माय गॉड ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, काश ऐसा ना हो, तो आप वो ही वाइब्रेशंस, वो डर की भावनाएं बाहर भेज रहे हैं। तो यूनिवर्स तो आपको ये नहीं समझ पाएगा ना कि आप ये चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, राइट? तो इसीलिए आप उस पर फोकस करें जो आपको चाहिए, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपने अच्छे से पढ़ाई की है बट आपको नहीं पता कि आपके कैसे मार्क्स आएंगे, तो आप ये मत सोचिए कि ओहो काश मैं फेल ना हूँ, काश मेरे 60 से नीचे ना आए, काश 60 से, ऐसे ना सोचिए। आप ये सोचिए कि मैंने अच्छा किया है, मैंने एग्ज़ाम अच्छा दिया है, मैंने बहुत पढ़ाई की थी और मेरे 80 से ऊपर तो आ ही जाएंगे, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। तो पहला यही चीज़ है कि आप ब्रह्मांड से वही मांगे जो आपको चाहिए और उस पर फोकस ना करें जो आपको नहीं चाहिए। दूसरा, आप ये मान के चलें कि जो आप चाह रहे हैं वो आप हासिल कर पाएंगे, और वही सोच के साथ फिर आप अपने कर्म करें, उसी सोच के साथ फिर आप आगे बढ़ें। बट इसमें एक अड़चन आ जाती है काफ़ी लोगों को, जिनको कहते हैं हम लिमिटिंग बिलीव्स। वो ऐसे सोच होते हैं जो हम बहुत सालों से हमारे दिमाग में मान के बैठे होते हैं कि मेरे से तो नहीं होता ये, मैं इस इतनी कैपेबिलिटी या मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। तो मेरे में भी एक लिमिटिंग बिलीफ है जो काफ़ी सालों से है, पिछले 4-5 साल से तो है ही। जब भी मैं किसी और को स्पोर्ट्स खेलते देखती हूँ या कुछ इंटेंस एक्टिविटी करते देखती हूँ, वर्कआउट एक अलग तरीके का, जैसे MMA ले लीजिए या कोई स्पोर्ट्स ले लीजिए, 1.5-2 घंटे से वो इंसान कर रहा है, तब मेरे दिमाग में यही सोच आने लग जाती है कि ना 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 ये मेरे से तो नहीं होगा, मेरे में इतना स्टैमिना है ही नहीं। मैं ऐसे मान के बैठ गई हूँ ना, वो मेरे दिमाग में मैंने मान लिया है,
ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरे में वो स्टैमिना नहीं है क्योंकि मेरी डाइट अच्छी है, मेरी स्केड्यूल अच्छा है, सब मैं ढंग से कर रही हूँ. हो सकता है कि अभी स्टैमिना कम हो, बट कल को अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो वो बदल सकती है ये बात. ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी और पदार्थ से बनी हूँ जो वो इंसान नहीं बना है उस पदार्थ से. ऐसा नहीं है. तो ये सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ है, ये सच नहीं है, ये बिलीफ है. ठीक है, ये आप मान के बैठ जाते हैं कि आप वो नहीं कर पाते. तो ये जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पहले पहचानें कि ऐसी क्या बातें आती हैं आपके दिमाग में जो आप ये मान लेते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके उन पे काम करें और उन्हें बदलें. और जैसे जैसे आप बदलेंगे आप देखिएगा कि आपके कर्म भी बदलते जाएंगे. जैसे जैसे आप, मेरे को बिलीव होने लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी ये, ठीक है मैं एक घंटे का वर्कआउट कर लूँगी, जिस दिन मैं ये वो मान के करती हूँ वो हो जाता है. या फिर जिस दिन मेरे लंबे आवर्स ऑफ वर्क होते हैं, मैं बहुत दिन भर मुझे बहुत घंटों काम करना होता है, और अगर मैं ये मान के बैठ जाती हूँ कि नहीं नहीं 2-3 बजे तक थक जाएगी इतना काम है, तो मैं उस दिन थक ही जाती हूँ. बट जिस दिन मैं मान के चलती हूँ कि नहीं आज तो अच्छे से मैं सब निपटा दूँगी, सब अच्छे से काम हो जाएगा, उस दिन रात तक सही चलता है. और तीसरा जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी पार्ट लगता है इस प्रैक्टिस का, वो है अपनी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से मैच कर लेना. और वो कैसे होती है, उसको मैं ग्रैटिट्यूड से प्रैक्टिस करती हूँ. और वो ग्रैटिट्यूड ही है जो मुझे रोज़ आगे बढ़ने की क्षमता देता है, और मैं और कर पाती हूँ जितना मैंने पहले कभी नहीं किया या पहले सोचा भी नहीं कि मैं कर सकती थी. तो ग्रैटिट्यूड क्या चीज़ है? ग्रैटिट्यूड यही है कि हम जो भी हमारे पास है आज की डेट में, भले ही आपके पास उतना पैसा ना हो जितना आपको चाहिए, या उस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल ना हो जैसी आप इमेजिन कर रहे हैं, जैसी आप चाह रहे हैं, लेकिन जो आज आपके पास है, आपकी फैमिली है, आपके ऊपर छत है, जो कुछ भी है, सबके लिए अलग अलग होता है, उसके लिए आप आभारी रहें. उसके लिए अगर आप आभारी रहेंगे तो आपके मन में एक अलग तरीके की खुशी आएंगी, और वही ग्रैटिट्यूड, वही आभार आपको आगे बढ़ाता है और ज़्यादा करने के लिए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करने के लिए. तो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रैक्टिस करें. रोज़ 5 से 10 मिनट निकालें जिसमें आप सिर्फ आभार व्यक्त करें जो भी आपके पास है उसके लिए. आप लिख सकते हैं, आप अपने आप को बोल सकते हैं वही चीज़, जो भी है, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करते हैं वो ज़रूर करें. तो चलिए कंक्लूड करते हैं आज हमने जो जो बात की. सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आपकी सोच की ताकत. और आपकी सोच की ताकत कैसे काम करती है, वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, वाइब्रेशंस और एक्शंस. आप एक ही चीज़ करेंगे तो नहीं हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए. आपको अपने वाइब्रेशंस भी और अपने एक्शंस भी एलिवेट करने होंगे, ऊंचे करने होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने होंगे. आपको सोचना भी होगा कि आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, और उसकी तरफ आपको छोटे छोटे स्टेप्स में आगे भी बढ़ना पड़ेगा. अब अपने लिमिटिंग बिलीव्स हटाएं, आप यूनिवर्स से वही मांगें जो आपको चाहिए, उस पर ध्यान ना दें जो आपको नहीं चाहिए. तीसरा, आप आभारी रहें जो आज आपके पास है. अगर ऐसा कुछ है जो आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं उन टॉपिक्स को अगले वीडियोस में कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी. अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, और आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें. और मैं आपसे अगले हफ्ते बात करूँगी एक नए टॉपिक पे, एक नए तरीके के माइंडसेट चेंजिंग टॉपिक पे, ताकि आप और मैं आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में पूरे निश्चय के साथ.